हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जीडीपी, नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग थी उसको पिछले तीन वीडियोस में बहुत अच्छे से कर लिया। अब एक और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट और भी ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ एटलीस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझेंगे इस वीडियो में। एक्सक्यूज मी, आगे आने वाले कुछ वीडियोस में उसको सीख के समझेंगे। हमारा वही चैप्टर अभी भी चल रहा है, काफी बड़ा चैप्टर है, कुछ लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन चैप्टर है ही इतना इंपॉर्टेंट, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए उसको हम लोग को डिटेल में देखेंगे तभी सारी चीजें ठीक से समझ में आएंगी। तो चलिए, तो टॉपिक आता है, वो आता है हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। ठीक, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का भी होता है, नॉमिनल का मतलब यहां पर मॉनेटरी भी हो जाता है, मौद्रिक हो जाता है। क्या है कहानी समझना आराम से। मान लीजिए कि कोई एक अर्थव्यवस्था है जहां पर 100 किलो आलू का उत्पादन होता है। कितने का होता है? आलू का। अच्छा, तो हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग ये तो नहीं बोलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में 100 किलो आलू बन रहा है और मान लीजिए 20 मीटर कपड़ा बन रहा है। ठीक, एक अर्थव्यवस्था जो ये काम कर रही है, कितना बना रही है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे देश की जीडीपी में 100 किलो आलू है और 20 किलो कपड़ा, ये तो बोलते नहीं है। अगर हमारा जो आलू है वो मान लीजिए 20 रुपए किलो बिक रहा है, कितना? 20 रुपए किलो, और जो कपड़ा है वो हमारा बिकता है 100 रुपए मीटर, कितना बिकता है? 100 रुपए मीटर। ठीक, तो हम ये बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सब मिलाकर के 2000 रुपए का तो आलू है। ठीक, 100 से आप 20 में गुणा किया, और ये भी हम लोग बोल देते हैं 20 से आप 100 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2000, तो हम बोलेंगे 2000 रुपए का कपड़ा बन रहा है। तो टोटल हमारी जीडीपी जो कितने की हो गई, वो 4000 रुपए की हमारी देश की सकल घरेलू उत्पाद हो गया, अगर कोई ऐसा देश है तो। ठीक, मान लिया कोई भी देश है। अच्छा, अब 4000 रुपए की हमारी जीडीपी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगले साल क्या हुआ? अगले साल कुछ ऐसा हो गया कि कोविड-19 आ गया। क्या आ गया? कोविड-19 आ गया। ठीक, और पूरे देश में जो लोग भी कामकाज कर रहे थे, ऑफिसेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो इस बार खेती भी लोगों ने कम की, तो इस बार 50 किलो आलू बन पाया। कितना बन पाया? 50 किलो आलू। ठीक, अच्छा, और साथ ही में जो कपड़ा था वो भी आपका कम बन पाया, 15 मीटर बन पाया। ठीक, अच्छा, लेकिन इस बार की जो कीमत है वो हो गई है आपकी 60 रुपए किलो। कितनी हो गई? 60 रुपए किलो। अच्छा, और जो आपका मीटर जो कपड़ा बिक रहा था उसकी कीमत हो गई 200 रुपए किलो। कितनी? 200 रुपए किलो। तो अब हम लोग ये तो बोलते नहीं है कि हमारे जीडीपी में 50 किलो आलू बना और 15 मीटर कपड़ा बना। हम क्या बोलेंगे? हम फिर से इसकी जो वैल्यू होगी उसको नाप करके बताएंगे। तो इसकी हम लोगों ने वैल्यू नाप करके अगर बताया तो कितना हो जाएगा? 60 रुपए, और के एक किलो के हिसाब से 50 किलो अगर है तो 3000 का हो जाएगा, और ये 15 मीटर 200 के हिसाब से है तो ये भी 3000 का हो जाएगा। तो हमने टोटल जोड़ दिया, हमने बोला कि अब हमारी जीडीपी 6000 की हो गई। कितने रुपए की हो गई? 6000 रुपए की। पहले कितने की थी? 4000 रुपए की। ठीक, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं यार कि पहले जीडीपी 4000 रुपए की थी और बाद में 6000 रुपए की हो गई, तो आपको लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई, यानी कि ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं बना होगा। ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ होगा, लेकिन ठीक से देखो, पहले 100 किलो आलू बना था, दूसरी बार तो सिर्फ 50 किलो बना, दूसरी बार 15 मीटर कपड़ा बना, और जबकि पहले 20 मीटर कपड़ा बना था, लेकिन इस पूरे चीज जो बनी थी उसकी कीमत कम थी, इसलिए हमें जीडीपी में जो नंबर दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है। वास्तव में यहां पर उत्पादन ज्यादा हुआ। क्या हुआ? ज्यादा उत्पादन हुआ। तो यहां तो हमें जीडीपी उल्टी कहानी बता रही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में जो प्राइसेस है, जो कीमत है, वो भी बहुत कुछ निर्धारित कर रही है। हम लोग सारी चीज को पैसे में नाप रहे हैं। अब मान लीजिए कोई चीज, वही देखिए ना, यहाँ पर आलू आपका 20 रुपए किलो है, यहाँ पर 60 रुपए किलो हो गया, तो आपको जीडीपी ही थोड़ी बताती है कि यहाँ पर चीजें महंगी हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। इसीलिए ये जो जीडीपी की हम लोग बात करते हैं, ये होती है नाम की। क्या होती है? नॉमिनल, मौद्रिक। मौद्रिक मतलब हम लोगों ने इसको पैसों में ही नापा। और जो ये जीडीपी है, जहां पर आपको पता है कि 100 किलो आलू तो ज्यादा होता है 50 किलो से, 20 मीटर कपड़ा तो ज्यादा होता है 15 मीटर से, तो आपको यहां पर क्या पता है? इसको हम लोग नापने की जिस तरह से कोशिश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी की ही ग्रोथ रेट हम लोग को बताई जाती है जब अखबार में निकलता है कि भारत 4% से ग्रो कर रहा है। नॉमिनल नहीं बताया जाता है, नॉमिनल तो बेकार की चीज है ना, एकदम बेकार नहीं है, इंपॉर्टेंट था, इसी से तो हम लोगों ने सारी चीजें अभी तक कैलकुलेट की है। जो कुछ भी बात की थी वो नॉमिनल की ही बात की थी। ये हमारी रियल जीडीपी है। ठीक, अच्छा,
इसी को लेकर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर आप सिर्फ जीडीपी नंबर देखोगे तो आप गच्चा खा सकते हो, ठीक, ये अगर नॉमिनल जीडीपी का है। रियल जीडीपी अगर आपको बोली जाए, रियल जीडीपी में क्या हो जाएगा, तो आप सोचोगे रियल जीडीपी में क्या किया जाएगा, तो रियल जीडीपी में क्या होगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये अच्छा और क्या हुआ, ठीक, इतना ही सही काम चल जाएगा। अब देखो, रियल आपको ये बोलेगी कि भाई नहीं, हम प्राइसेस को फिक्स्ड मान लेते हैं, हमने कोई एक बेस ईयर ले लिया, एक इस साल का था ये कोविड वाला साल और एक हमारा जो था पिछला साल, तो जो पिछला साल था उसको हम लोगों ने बेस ईयर मान लिया, हमारा आधार वर्ष है, तो उस साल की जो कीमतें थी वही हम दर वही मानेंगे, रेट वही मानेंगे, ठीक। तो अगर वही रेट मानोगे तो इस बार का जो 50 किलो आलू है 20 रुपए किलो के हिसाब से कितने का हो गया, 1000 रुपए का, और 15 मीटर कपड़ा 100 रुपए के हिसाब से हम 200 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हम अब एक ही कीमत मानेंगे, हम फिक्स्ड कीमत मानेंगे किसी एक आधार वर्ष के हिसाब से, तो आप 15 के हिसाब से निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1500, तो आपने जीडीपी कैलकुलेट की तो कितनी आ गई 2500, और पहले कितने की थी 4000। तो अब देखिए दूसरे वर्ष में, इस वाले वर्ष में जो नॉमिनल जीडीपी है वो तो 6000 की है, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो 2500 की है, तो 2500 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर पहले 4000 थी और अब 2500, इसका मतलब कम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है, तो रियल जीडीपी आपको ज्यादा अच्छा आइडिया देता है कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ होगा, ठीक। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें अच्छी है। अब जो भी हमारी स्लाइड में है एक एक करके देखते हैं, कुछ नया आएगा तो उसको देखते चलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही था, क्या होता है अभी तक हम लोगों ने जो भी चर्चा की है उसमें एक चीज हम लोगों ने एक इम्प्लिसिट मान लिया था, इम्प्लिसिट का समझते हैं, कहा नहीं गया, जैसे कुछ चीज होती ना जो बिना कहे सारे लोग समझते रहते हैं, तो हम लोगों ने आम तौर पर एक अजम्पशन लेकर के चले थे, और वो अजम्पशन था कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नहीं बदलती हैं, जो उसका प्राइस है वही रहता है, ये हम लोगों ने मान करके चले थे, ठीक, तभी हम लोगों ने जीडीपी की तुलना स्टार्ट किया, ठीक। यदि कीमतों में परिवर्तन होता है तो सकल घरेलू उत्पादों में तुलना करने में कठिनाइयां आ सकती है, हम लोगों ने अभी देखा था 4000 वाली जो जीडीपी थी वास्तव में वो ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा वस्तुएं थी, और 6000 वाले में ज्यादा वस्तुएं नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कीमतें बदल गई, और अगर कीमतें बदल गई तो हम ये नहीं बोल सकते, फिर तो हम चकरा जाएंगे कि यार 6000 को ज्यादा माने कि 4000 को माने, और हमेशा ये तो हम पता है हमें कि 6000 वाला यहां पर कम हो गया, क्यों, वास्तव में कम उत्पादन हुआ क्योंकि कीमतें हमें पता है, लेकिन हमें इन जनरल तो नहीं पता है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, तो तुलना करने में समस्या आने लग जाती है, इसीलिए हमें क्या होता है जीडीपी की, रियल जीडीपी की, वास्तविक जीडीपी की, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में नॉमिनल को हम लोग हिंदी में मौद्रिक भी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा जो पैसे में नाप रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पादों के आंकड़ों व अन्य समष्टि अर्थशास्त्री परिवर्तनों की तुलना क्या हो जाता है, क्या कठिन हो जाता है, देखो आपने बोला भारत की जीडीपी कितनी है, ठीक, कुछ नंबर निकाला, मान लीजिए आपने निकाला 2.7 trillion US डॉलर्स, ठीक, आपने कहा पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, पाकिस्तान की कुछ 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी शायद, मतलब ऐसे आइडिया ले रहा हूं, 8-9 गुना हमारी जीडीपी उससे बड़ी है, ठीक। अब अगर हम भारत और पाकिस्तान की जीडीपी की तुलना कर रहे हैं तो उसमें वहां पर दोनों देशों में अलग अलग कीमत स्तर चलता है अलग अलग चीजों का, तो हमें कुछ ना कुछ एक तरीका निकालना होता है जिससे हम समझ पाए कि रियल जीडीपी में क्या दोनों जगह पर सीन चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही। तो क्या होता है, जब हम विभिन्न देशों की आपस में तुलना कराते हैं तब समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि एक ही देश के अलग अलग समय पर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, तो हमारे देश की जैसे मान लीजिए 2014 में तो मोदी जी आ गए थे, ठीक, अब 2015 में जब मोदी जी आ गए हैं तो देश की जीडीपी कितनी है, अच्छा उसके पहले जब 2010 में मनमोहन सिंह जी थे तब कितनी थी, ठीक, अब 2010 और 2015 में आते आते प्राइस लेवल में बहुत डिफरेंस हो गया, कीमत इससे बदल गई, अब जब कीमत बदल गई तो हम जीडीपी किसको मान रहे हैं, जीडीपी में तो हम लोग पैसों को निकाल करके मानते हैं, अब पैसे की जो वैल्यू है वो 2010 से 2015 में तो काफी ज्यादा मिलेगी, क्यों, मान लीजिए आपको 100 रुपए आपने जमा किया 2010 में, वही बढ़ करके आपको 108 रुपए तो कम से कम मिली रहा, 8% का अगर आप इंटरेस्ट 5 साल में मान लेते हो तो 100 के बदले 108 तो आपको बैंक दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा कि जितनी वैल्यू 100 रुपए की 2010 में थी उतनी ही वैल्यू लगभग 108 रुपए की कब है 2015 में, तो अगर आपने सेम चीज भी बनाई होती तब भी आपको 8% की बढ़त तो दिखती ही दिखती, तो ये हो जाता नॉमिनल जीडीपी, इसीलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर जो डिफरेंस दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक। अच्छा, तो क्या होता है कि जब दो देशों की तुलना करते हैं आपस में, या फिर एक ही देश के लिए क्या करते हैं, जब हमने दो देशों की तुलना की, यहां पे विभिन्न देशों की आपस में तुलना करा रहे हैं, यहां पर हम एक ही देश की
जीडीपी का अलग अलग समय पर देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी 1980 में कितनी थी, फिर 1990 में कितनी हुई, फिर उसके बाद 2000 में कितनी हो गई, फिर 2010 में कितनी हो गई, फिर 2020 में कितनी हो गई। तो 10-10 साल के अंतर पर जब हम भारत एक ही देश की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो भी हम लोगों को समस्या आ सकती है। ये समस्या ना है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की चीजों को समझने के लिए ही रियल जीडीपी का यूज करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, तो दो चीजें हो जाती हैं जब हम लोग इस तरह का आपस में अलग अलग देशों की तुलना कराते हैं, एक तो वो बात हो गई, दूसरा हो गया एक ही देश की अलग अलग टाइमलाइन में कराते हैं। ठीक, दो तरह की तुलना, दोनों में समस्या आ जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसीलिए तुलना के लिए हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का की सहायता लेते हैं। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं काफी डिटेल में। अब समझिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय, कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय का मतलब क्या हुआ, आपने मान लिया कि नहीं आलू की कीमत हम 20 रुपए किलो ही मानेंगे, जो हम लोगों ने अपने उदाहरण में किया था, हमने मान लिया कि हम कपड़े की कीमत 100 रुपए प्रति मीटर ही मानेंगे। ठीक है, भले ही उस साल वो 100 से बढ़कर के 200 हो गई हो और आलू 20 से बढ़कर के 60 का हो गया हो, लेकिन हमने वो नहीं माना, कब, जब हमने रियल जीडीपी की कैलकुलेशन किया। तो एक सेट ऑफ प्राइसेस बनाए, क्या बनाए, सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, ये हम लोग मान करके चले। ठीक, तभी तो हम दो देशों की तुलना, दो वर्षों में अलग अलग समय पर एक ही देश की जीडीपी की तुलना कर पा रहे हैं, या स्थिर कीमतों पर होता है। और नॉर्मली हम लोग एक बेस प्राइस ले लेते हैं, बेस ईयर ले लेते हैं, उस बेस ईयर के हिसाब से प्राइसेस को मान करके हम लोग तुलना कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर क्या हो जाता है आपका, इसलिए यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है तो यह निश्चित है कि उत्पादन के परिमाण में परिवर्तन होगा। आपको दिख गया कि आपका जो रियल जीडीपी पिछले साल थी वो 4000 की निकली और इस साल आपकी 2500 की निकली, तो परिवर्तन हुआ और साथ में निगेटिव परिवर्तन हुआ, क्यों, क्योंकि छोटी हो गई। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है किसी अर्थव्यवस्था में वो कम हो गया होगा। ठीक, अच्छा, फिर क्या आता है आपका मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। मौद्रिक में क्या होता है, वर्तमान कीमत पर आप सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य निकाल देते हैं। तो जो मौद्रिक था वो पिछले साल का 4000 आया, इस साल का 6000 आ गया, तो मौद्रिक तो मैं बता रहा है कि बढ़ गया, लेकिन इससे ये फर्जी चीज है। जब हमें तुलना करनी है तो हम लोग किससे करेंगे, पिछले साल का 4000 था तो इस साल का 2500 है, ये हमारी आ जाता है रियल जीडीपी, ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक, अच्छा, अब समझिए सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक। ठीक, अवस्फीतिक तो जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो लोग भी अवस्फीतिक नहीं बोलते हैं यार, ये सब अवस्फीतिक ज्यादा कठिन लग जाता है हमको डिफ्लेटर से। ठीक है, डिफ्लेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवस्फीतिक, बहुत कम अवस्फीतिक यूज करता है, बट जीडीपी डिफ्लेटर बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है। क्या होता है समझो, हम लोगों ने क्या किया, दूसरे वर्ष में हमारे वाले उदाहरण में दूसरे वर्ष में 6000 रुपए हमारी जीडीपी निकल के आई, कौन सी जीडीपी निकल के आई बताइए, नॉमिनल मौद्रिक, और 2500 रुपए हमारी जो जीडीपी थी कौन सी, वो हमारी निकल करके आई कौन सी जीडीपी, रियल वास्तविक। तो अगर हम इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एक ऐसा कीमत स्तर मिलता है जो हमें बताता है कि औसतन कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्या बताता है, कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से तो 2500 रुपए का सामान बना है लेकिन हमें नॉमिनल में तो दिख रहा है कि 6000 का बन गया है। तो ये जो अंतर आया है ये सिर्फ और सिर्फ कीमतों में अंतर की वजह से तो आया है, क्योंकि रियल जीडीपी तो 2500 की है और ये दिख में 6000 का रहा है। तो जो अंतर है वो वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ने की वजह से नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने की वजह से है। आ रही बात समझ में, वो जो कीमत है तो औसतन प्राइस लेवल में कितना इजाफा हो गया, ये निकालने के लिए हम लोग जीडीपी जो नॉमिनल होती है हमारी, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से भाग दे देते हैं। ये जो हमें अनुपात मिलता है कितना मिलेगा, यहां पर देखो 0 से 0, 0 कट गया, 25 ये आ जाएगा 12 में भाग दोगे आप तो आपको मिल जाएगा कितना 2.4, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो चीज आपको पिछले साल 1 रुपए की मिल रही थी औसतन, अब वो चीज आपको 2 रुपए 40 पैसे की मिल रही है, इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। इतनी तेज नहीं होती, हमने जो एग्जांपल ले रखा है वो बहुत ही ड्रामेटिक ले रखा था जिससे कि हमें बहुत क्लियरली डिफरेंस दिखाई पड़े। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका एक जो चीज 1 रुपए की थी वो 2 रुपए 40 पैसे की मिल रही है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कीमत कितनी 2.4 times हो गई है, 2.4 गुना हो गई है। ठीक, तो ये जो अनुपात है इसी अनुपात को हम लोग बोल देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, और ये क्या प्रदर्शित करता है कि औसतन कीमत स्तर में कितने का इजाफा हुआ। आगे बस वन में, अच्छा अब जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद
और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात, यही हम लोगों ने निकाला था, से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमत में, ठीक है, कीमत की बात कर रहे हैं, आधार वर्ष हमारे में पिछला वर्ष था, आधार वर्ष जिस वर्ष की कीमतों का प्रयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं आधार वर्ष, ठीक है। अच्छा, कि तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार की वृद्धि हुई है, किसमें, कीमतों में, यह निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। अच्छा, इसी को सीधे सीधा अगर उदाहरण से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसे सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीते जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, क्या फॉर्मूला हो जाता है, नॉमिनल जीडीपी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में आपने वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी से भाग दे दिया, और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में दिखा रहे हो तो 100 से गुणा कर दो। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, हमारा आ गया था कितना, 6000 में भाई आपने 2500 से भाग दिया तो हमें क्या मिला था, 2.4। अब इसी को अगर आप प्रतिशत टर्म्स में निकालोगे तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो आपको हो जाएगा कितना, आपको हो जाएगा 240%। तो आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हो, कभी कभी परसेंटेज में दिखाया जाता है, ठीक है। एक सुपरिचित कीमत सूचकांक है, कीमत सूचकांक का मतलब समझ रहे हैं क्या, एक वेल नोन, सारे लोग जानते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या हो जाता है, कि औसतन कीमत कितनी बढ़ी, तो कीमतों के बढ़ने की जो इंडेक्स है उसी को बोलते हैं कीमत सूचकांक। जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स क्या होता है, स्टॉक्स जो होते हैं अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो औसतन किस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो बताने की एक इंडेक्स है। ऐसे ही किसी अर्थव्यवस्था में प्राइसेस किस हिसाब से औसतन बढ़े, औसतन क्यों जरूरी है ये समझो। हम लोगों ने क्या उदाहरण लिया था, हमारा जो उदाहरण था, हमारे उदाहरण में आप समझ लो, हमारे उदाहरण में ऐसा हो रहा था कि जो आलू था, आलू ठीक, वो तो पहले 20 रुपए का मिलता था, अब 60 का मिल रहा है, तो ये तो 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 3 गुना। अच्छा, कपड़ा पहले 100 का था, 200 का मिलने लगा, तो ये 2 गुना बढ़ गया, ठीक, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो जीडीपी डिफ्लेटर निकाला वो हमारा 2.4 आया, तो एक चीज तो 3 गुना बढ़ गई है, एक चीज बढ़ गई आपकी 2 गुना। तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि 3 गुना बढ़ा है 2 गुना, औसतन कितना बढ़ा, वो 2.4 बढ़ा, इसलिए औसत का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, आगे बात समझ में। तो अभी क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति के एक सुपरिचित कीमत सूचकांक है जो औसतन प्राइस लेवल इंक्रीज जो है वो बताता है। फिर क्या है, इस प्रकार यदि GDPN, ठीक, आपने क्या लिखा, GDPN, यही फॉर्मूला है यार हम लोग लिख ही चुके हैं, बटे आपने जीडीपी रियल कर दिया, यही आपको क्या दे देगा, जीडीपी डिफ्लेटर देगा। से मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को अगर प्रदर्शित करते हैं और जीडीपी आर से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का बोध होता है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या निकल करके आ जाएगा, यही आ जाएगा जो आपका लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा था वही चीज है। GDPN में आपने GDP R से भाग दे दिया, स्मॉल एन कैपिटल एन यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप एक जैसा यूज करते चले जाओ, ठीक। क्या हुआ, कभी कभी अवस्फीतिक को प्रतिशत के पदों में भी प्रदर्शित किया जाता है। हम लोगों ने देखा ही था, 2.4 लिखो या फिर 240% लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या है, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक की तरह हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हम लोगों ने सकल घरेलू की बात कर रहे हैं, घरेलू की जगह राष्ट्रीय यानी कि GNP डिफ्लेटर की भी आप बात कर सकते हो, सेम हो जाएगा। जब GNP में आप करोगे तो क्या कर दोगे, GNP नॉमिनल डिवाइडेड बाय GNP रियल, ठीक। आगे बात समझ में। तो हम लोगों का ये जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ प्राइस लेवल्स की बात की, प्राइस लेवल्स के मूवमेंट को जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है, क्या कुछ और सूचकांक है जिनका प्रयोग हम लोग प्राइस लेवल चेंजेस को पता करने के लिए करते हैं, जो कीमतों में रुझान है उसको पता करने के लिए करते हैं, तो ऐसे हैं, और उसको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।